आदाब, पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले साल ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई थी। उसी बीच एक डॉक्टर जो हीरो की तरह उभर कर आए थे, फिर अचानक विलन बन गए और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कफिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कफिल, जिनसे हम जानेंगे कि जो ये सफ़र था डॉक्टर कफिल, हीरो से विलन, विलन से फिर जेल, ये कैसे इस सफ़र में आप शामिल हो गए और लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर आप एक नेशनल हीरो के तौर पर बनकर उभरे थे, फिर अचानक आप एक विलन के तौर पर दिखाई दिए। जी, क्यों मैं हीरो बना ये भी नहीं पता है और क्यों मैं विलन बना ये भी नहीं पता है। मैंने जो किया था वो कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता, जिसके जिसमें दिल अल्लाह ने दिया होता और उस जज्बे से काम करता, कोई भी अगर आदमी होगा, अगर बच्चे मरते हुए बच्चे होंगे तो उनके लिए कुछ भी करना चाहेगा। तो उन दो दिनों में जो हम लोगों ने किया उन बच्चों को बचाने के लिए, वो जो उस मीडिया ने देखा और उसको खबरें पहुंचाई उन्होंने उस तरह से, तो वो तो हीरो बना दिया। पर चूंकि गवर्नमेंट ने जो पुष्पा शेल एक कंपनी है जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करती है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, वो अपने ड्यूज पिछले लास्ट 6 मंथ से वो रिमाइंडर्स भेज रहती है। वो डीएम को उसने भेजा, प्रिंसिपल को भेजा, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीडियाटिक्स डॉक्टर महिमा मित्तल को भेजा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के गुप्ता को भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिता जैन भटनागर को भेजा, हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन को भेजा और चीफ मिनिस्टर योगी जी को भी भेजा। तो उसने वो 6 महीने से लिख रहा था, मेरे 10 लाख हो गए दे दो, मेरे 20 लाख हो गए दे दो, मेरे 40 लाख हो गए दे दो, मेरे 70 लाख हो गए दे दो, नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। और एक दिन उसने ऑक्सीजन बंद कर दी, वो बिजनेसमैन है। उसकी वजह से जो मौतें हुई, उसके जिम्मेदारी को अपने आप को बचाने के लिए, किसी को भी किसी की गर्दन काटनी थी तो सबसे जो कहते हैं नाजुक प्यादा जो होता है, जो नीचे रहता है, वो पहले जान उसकी जाती है। तो खोल लिया उन्होंने और इस तरह से विलन बना दिया। आपको भी लगता है कि पूरी तरह से बलि का बकरा आपको इस पूरे षड्यंत्र में आपको बना दिया गया? यस यस, सी स्टार्टिंग में क्या हुआ, गवर्नमेंट वाज टोटली इन अ डिनायल मोड। दे वांटेड टू जस्ट बरी द होल सिचुएशन, द इंसिडेंट, एंड दे वांटेड टू, दे जस्ट डिडंट वांट थिंग्स टू गो टू द मीडिया। मैं एज अ जूनियर कंसल्टेंट 1 साल पहले ही ज्वाइन किया था, 8th ऑफ अगस्त 2016 था ज्वाइन एज अ परमानेंट कमीशन इन बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और 1 साल बाद ये इंसिडेंट हो गया। मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबरें सोशल मीडिया से, जो कहते हैं ना कि र्यूमर मॉन्गर्स, फैक्ट डिस्टॉर्टर्स, हेटर्स, दे स्टार्टेड स्मीयर कैंपेन ऑन द सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया। दे वर सिटिंग इन बॉम्बे एंड दिल्ली, दे डिडंट गो टू द बीआरडी एंड फाइंड आउट हु इज डॉक्टर कफील खान। दे मेड मी वाइस प्रिंसिपल ऑफ द बीआरडी मेडिकल कॉलेज, देयर इज नो सच पोस्ट देयर। They made me head of the Department of Pediatrics. You need to have 20 years of experience. You need to be professor. I am just junior most, you know. So, मुझे professor, head of the department बना दिया गया, और professor बनने के लिए आपको 20 साल की medical field में experience चाहिए doctor बनने के लिए। तो वो उसके बाद मुझे superintendent भी बना दिया गया BRD Mill College का। तो ऐसा they just showed it that Dr. Kafil was only running the whole hospital. इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई और एनी एसेंशियल ड्रग ऑफ द मेडिकल कॉलेज की सप्लाई जो होती है वो एसेंशियली मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर होती है। तो ना ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ हुआ, ना ही आपको जो है CMS के खिलाफ कुछ हुआ, ना ही फाइनेंस कंट्रोलर को किसी ने पकड़ा, ना ही उनसे जाँच की, और मुझे इस तरह से पकड़ लिया गया, जहां जबकि मेरा ऑक्सीजन से, खरीद से, टेंडर से, पेमेंट से, सप्लाई से, ऑर्डर से कोई लेना देना था। मेरा काम था बच्चों को ट्रीट करना। तो इसलिए मैं महसूस करता हूं कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। डॉक्टर कफिल, आप कह रहे हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया गया, बट इसी दौरान कई ऐसी भी खबरें बाहर आईं कि आप भाग गए हैं, आप फरार हो गए हैं, तो ये सब क्यों था? मतलब यार देखो, स्टार्टिंग में तो शायद वो भागा था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं भागा था। लोगों ने डरा दिया कि घर वालों को कि इनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और
जैसे गोरखपुर का माहौल है और उस तरह से उनको मार दिया जाएगा, तो कुछ दिनों के लिए हटा दीजिए, शायद योगी जी का गुस्सा ठंडा हो जाए। कुछ गलत तो किया ही नहीं है, आज नहीं तो कल योगी जी को पता चल जाएगा कि गलती डॉक्टर कफील की नहीं है, तो बातें सब खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए वो हटा था। आज मैं ये सोचता हूँ वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वो कहते हैं कि ना, इन योर लाइफ समबडी हुएवर कम्स इन योर लाइफ दे विल टीच यू अ लेसन। तो योगी जी ने एक लेसन तो मुझे सिखाई दिया है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया हो तो कभी भी तुम्हें जो है माइफ कभी भी तुम्हें भागना नहीं चाहिए। तो मैंने भाग के वो गलती की थी और भागना नहीं चाहिए था। दैट वन लेसन आई हैव गॉट। तो वो जो हम लोग 8-10 दिन भागे थे वो सिर्फ इसी वजह से भागे थे कि शायद जो है जो कंफ्यूजन योगी जी के दिमाग में भरा गया है वो उनको सही हो जाए, पर वो सही नहीं हुआ 9 महीने के बाद भी। डॉक्टर कफील, मैं जो आपका जो जेल का सफ़र था वो कैसा था, क्योंकि जितना मैं समझ पा रही हूँ सबसे ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा। क्या था वो सफ़र, कैसी सुबह होती थी, कैसा शाम होता था, कैसे वो 8 महीने आपके रहे? 8 महीने से ज़्यादा जेल का सफ़र तो ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत गंदा था। और अल्लाह ना करे किसी और को भी, कहते हैं दुश्मन को भी वो दिन दिखाने ना पड़े। जब ले गया गया था तो यही बताया गया था कि 10-15 दिनों की बात है, बेल मिल जाएगी। पर दिन गुजरते गए और दिवाली आई, न्यू ईयर आया, क्रिसमस आया, होली आई, सब चले गए। 12-12 घंटे ऐसे जहाँ पे बंद कर दिया जाता था जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाए। 180-160 लोग होते थे, हार्ड कोर क्रिमिनल्स, और एक 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 टॉयलेट होता था। और क्रिमिनल्स ऐसे कि मैंने 3 मर्डर किया है, मैंने 5 मर्डर किया है, मैंने 7 मर्डर किया है, और फिर कोई कहता था कि देखो ये क्रिमिनल्स हैं, ये आपको भी अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो ये लोग 8वां मर्डर कर देंगे, 42वां मर्डर कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप चुप रहिएगा, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। हम लोगों को भी यही बताया गया कि भाई गोरखपुर में मार्च में 2018 में चुनाव है लोकसभा का गोरखपुर का, शायद उसके बाद योगी जी को जो है वो उनको वो छोड़ दें या कुछ हो जाए, ठीक है ना। जेल में खाना एक तो बहुत ज़्यादा, मेरे लिए नहीं, मैं तो 800 की कैपेसिटी पूरे गोरखपुर की जेल की है और 2000 क्रिमिनल्स रहते हैं, मतलब 2000 कैदी रहते हैं, क्रिमिनल्स नहीं कहेंगे, 70% तो ट्रायल वाले ही हैं, तो 2000 लोग रहते हैं। तो आप सोचिए कैसे रहते होंगे। और खाने में आपको पतली दाल मिलती है और रोटी मिलती है अधकच्ची, चावल मिलता है अधकच्चा, और जो है सब्जियां मूली की सब्जी होती है, और बस यही मिलता है। 2 टाइम मिलते हैं खाना, 11 बजे खाना मिलता था, 5 बजे मिलता था, 6 बजे बंद हो जाते थे, 6 बजे सुबह खुलते थे। तो ये लाइफ थी। पर ये जेल में एक तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए, मैं समझता हूँ पॉजिटिव थी, कि पढ़ाई मैंने बहुत की, किताबें मैंने बहुत पढ़ी, नावल्स जो कभी लाइफ में, हमेशा मेडिकल फील्ड के बारे में पढ़ा, पर वहाँ हमने जो है फिलॉसफी पढ़ी, लाइफ पढ़ा, बिहेवियर पढ़ा, कि हाउ टू लिव योर लाइफ, और कुरान पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी, मतलब समझा, हदीस पढ़ी, और अल्लाह को समझा, रसूल साहब को समझा, और जीने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ, बहुत कुछ सीखा भी उस जेल का। और अल्लाह का कहते हैं ना, जब बाहर आया तो ये एहसास हुआ कि शायद वो 9 महीने आजमाइश के थे और अल्लाह की कुछ मसीहत देती कि उन्होंने मुझे वो जिल्लत जो है वो ज़िंदगी जीनी पड़ी। डॉक्टर होते हुए आपको एक मुसलमान होने की सज़ा मिली, क्या आपको यही लगता है? देखो ये बात तो योगी जी खुद बताएंगे कि उन्होंने क्यों मुझे बलि का बकरा बनाया, क्योंकि फॉर मी रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस, इट्स अ जस्ट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ ह्यूमैनिटी। कहते हैं इस्लाम में भी कहा गया है कि अमाल आपका सही हो तो सब कुछ सही है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा रिलीजन है। तो मैं अपने दोस्तों, कोई चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको हम उसी मतलब नज़रिए से देखते हैं, और सब धर्म को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हम भी छोटे थे तो घरौंदा बनाते थे दिवालियों के दिन, हम भी वो बताशे और जो है कैंडल जलाते थे, दिया जलाते थे,
हम भी होली खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं, हम भी क्रिसमस मनाते हैं, हम भी न्यू ईयर मनाते हैं। तो हम जो हैं इसी इंडिया के, जो मेरी मेरा भारत है, मेरा इंडिया है, हम उसी हिंदुस्तान की सोल से जुड़े हुए हैं। तो मैं उस नज़रिए से नहीं सोचता हूँ। हाँ, योगी जी सोचते हैं तो वो उनका नज़रिया है, तो वो मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा कि मुझे मुस्लिम होने के लिए टारगेट, मैं अपनी गंदी सोच गंदी नहीं करूँगा। बिल्कुल, आप अपनी सोच गंदी नहीं करेंगे। अभी केरल से भी आपको प्रपोजल आया था कि आप वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्स के डॉक्टर्स और गोरखपुर के जो पूरा प्रकरण था, क्या था फिर से आपका ही ना कहीं? मैं जब बाहर आया तो आई सॉ व्हेन आई वाज इन जेल देयर वाज ओनली फ्यू पीपल केम टू मीट मी, माय रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स ओनली, माय फैमिली ओनली। तो जब बाहर आया तो मैंने देखा हजारों लोग वेट कर रहे थे मेरा, हजारों, मतलब स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई थी। और वो पेरेंट्स भी थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, वो भी थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि इतना प्यार क्यों दे रहे हैं लोग। फिर मैं लखनऊ गया, दिल्ली आया, लोगों से मिला तो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप ना लिए। लखनऊ में तो मतलब लेडीज का पूरा ग्रुप था, कहते थे दो दो घंटे तिलावत कर रही हैं वो। तो और हम केरल गए, हम कर्नाटका गए। केरल गया तो मैं कैलिकट मेडिकल कॉलेज भी गया था और वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन भी किया था। तो जब मुझे पता चला वहाँ निपा वायरस फैला हुआ है, वायरस इंकेफलाइटिस, एंड ऑलरेडी 12 पर्सन हैव बीन डाइड, और उसमें लिली सिस्टर भी थी जो एक नर्स थी और वो लोगों को ट्रीट करते हुए उनकी डेथ हो गई। तो बहुत अजीब लगा। और यूपी गवर्नमेंट मेरा सस्पेंशन रिवोक भी नहीं कर रही थी, मुझे काम करने नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा कि चूंकि निपा वायरस इज इवन ए डिफरेंट वायरस बट इज कॉजिंग द सेम डिजीज व्हाट वी आर डीलिंग इन गोरखपुर, इनकेफलाइटिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मायोकार्डाइटिस, उसी से डेथ होती है। तो हमारे यहाँ जो इनकेफलाइटिस है गोरखपुर में और निपा वायरस का इनकेफलाइटिस सिमिलर है, कोई ट्रीटमेंट है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ जाने बचाई जा सके। और आपको बता दूं कि मेरी माँ तो मुझे बहुत रोई थी, कहने लगी कि 9 महीना हो गया है, तुम अब वापस मिले हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी वाइफ से मेरी बहस हुई, उनको समझाना पड़ा कि जाने दो, और उन्होंने दिल पे पत्थर रख के जाने की इजाज़त दी। मैंने जान लीजिए कि मैंने शहरी में के बाद मैंने वो ट्वीट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला को किया था, और 10 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि आप, यू आर वेलकम, कम टू केरला एंड वी नीड पीपल डॉक्टर्स लाइक यू। फिर हम उन्होंने टिकट कराए और उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी दिनेश भास्करन से हमारा कांटेक्ट हमेशा रहा, और उन्होंने सब कुछ अरेंज करा दिया कैलिकट मेडिकल कॉलेज में। फिर अचानक ही जब हम लखनऊ से फ्लाइट लेने वाले थे, उनका फ़ोन आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एम्स की टीम भेज दी है और वो बाहर का इंटरफेयर नहीं चाहती है। इसी बीच योगी गवर्नमेंट ने भी जो है एक स्टेटमेंट इशू करवा दिया डीजीएमई से कि मैं सस्पेंशन अभी हूँ, मैं स्टेज में हूँ और मैं कहीं यूपी से बाहर सेवा नहीं दे सकता। तो इस तरह की पॉलिटिक्स खेली गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर निपा वायरस फैला हुआ है, इट्स अ वेरी डेडली वायरस, मैं भी मर सकता हूँ, मुझे भी निपा वायरस इनकेफलाइटिस हो सकती है और मैं भी अपनी जान दे सकता हूँ, और क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे खाई में, ये नहीं सोचा, बस उसको पॉलिटिकल कलर दे दिया। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आगे के क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप बहुत झेल चुके हैं, आगे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो ये है कि सस्पेंशन अगर रिवोक कर देते हैं तो आई एम विलिंग टू वर्क इन बीआरडी, क्योंकि वो एक बहुत पिछड़ा इलाका है जहाँ हर साल 1000 बच्चे, सिर्फ मासूम बच्चों की जानें इनकेफलाइटिस से हो जाती हैं। तो और उसमें काम कर चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए मैं करूँ। तो अगर गवर्नमेंट ने अगर मुझे रिवोक किया सस्पेंशन तो आई एम विलिंग टू वर्क देयर, और नहीं करते हैं तो हम लोग एक 500 बेड का इनकेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर गोरखपुर में ही खोलना चाहते हैं। सजनवा एक इलाका है, वहाँ हम लोगों ने सोचा है, कुछ एनजीओस फंड कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दैट इनकेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, और कोशिश करेंगे कि उन गरीब बच्चों की जो इनकेफलाइटिस से दर्द झेल रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। तो पलपल न्यूज़ से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कफिल। बात बस यही कहना चाहूँगा कि जब हमने डिसाइड किया कि हम बोलेंगे, और जब मैंने खत लिखा था तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा। तो अब डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। थैंक यू।